हे व्हाट्सअप, वेलकम बैक माई न्यू अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारा न्यू अच्छे होगे। सो गाइस, आज की वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं, अगर आपने यहाँ पर रेडमी का या पोको का कोई सा भी फ़ोन परचेस कर लिया है, जैसे रेडमी नोट 10, नोट 10 एस, पोको F3, पोको M2 Pro, अगर जितने भी पोको के फ़ोन हैं, जितने भी रेडमी के फ़ोन हैं, आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपके फ़ोन में जो इंटरनेट है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। आपने कई सारी कोशिश कर ली है, बट आपके फ़ोन में जो इंटरनेट है अच्छे से ही वर्क नहीं कर रहा। तो वीडियो को पूरा वॉच करना, ठीक है? बस यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग में जस्ट क्लिक कर देना है आपका। जैसे आप अपने फ़ोन की सेटिंग में क्लिक करोगे तो देखो इस तरह का यार यहाँ पे इंटरफेस आएगा। हो सकता है कि आपके फ़ोन में थोड़ा बहुत इंटरफेस चेंज भी हो सकता है, ठीक है? तो आपको ये नहीं देखना कि मेरे फ़ोन की जो सेटिंग है अलग है और इस भाई के फ़ोन की सेटिंग अलग है। बस थोड़ा बहुत अपडेट होने के बाद चेंजिंग हो जाती है सेटिंग, बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो फॉलो कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या गाइस, जैसे आप अबाउट में आओगे, अबाउट में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा फैक्ट्री रीसेट, और यहाँ पे मिलेगा इरेस ऑल डेटा। अब आप बोलोगे भाई यहाँ से हम अगर क्लिक करते तो हमारा पूरा फ़ोन ही यहाँ से फॉर्मेट हो जाएगा, हमारे फ़ोन में जितना भी डाटा था वो डिलीट हो जाएगा, तो हमें फ़ायदा ही क्या हुआ? तो उस से आपको कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप वो फॉलो कर लो। सिंपल से मैं आपको एक तरीका बताऊँगा, आपका एक फ़ोटो से डिलीट नहीं होगा, नहीं आपकी एक वीडियो डिलीट होगी, बस जहाँ पर मैं क्लिक कराऊँ वहाँ पर ही आपको क्लिक करना, ठीक है? अब देखो ऊपर सर्च सेटिंग आपको दिख रहा होगा, सिंपल से यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च सेटिंग में जस्ट यहाँ पर RESET लिखना है। अब आप बोलोगे यार ये भी तो रीसेट का ही ऑप्शन है, बट आपको अगर फ़ोन रीसेट नहीं करना, रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ, आपको यहाँ पर फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा इस पर जस्ट क्लिक कर देना है। आपका जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में जो भी पिन पैटर्न पासवर्ड मांग रहा होगा, देखो यहाँ पर रीसेट सेटिंग हो रही है ऑनली, आपका कुछ डिलीट नहीं होगा। यहाँ से आप सिंपल से ऐसे आराम से कर सकते हो, दो सिम में तो नीचे सिम भी चेंज करके कर सकते हो, कौन से सिम को रीसेट कराना है आपको। इस तरह से आपकी जो पूरी पूरी सेटिंग यहाँ से रीसेट हो जाएगी और आपका जो प्रॉब्लम था यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो वैसे सर, अब आपका कोई भी सवाल जवाब है कि भाई यहाँ से हमारे फ़ोटोज़ डिलीट, हमारी स्पीड अच्छे से? हाँ यार बिल्कुल, ट्राई करके देखो, ठीक है? तो वैसे सर, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा भाई मिलेगा नेक्स्ट वाला, टेक केयर, बंद लव यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।